हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की। तो देखिए, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को समझने से पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए, जो हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को कई बार, कि जब भी हम किसी एरे की बात करते हैं तो फर्स्ट वी राइट हियर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जब भी हम किसी एरे की बात करते हैं तो हमें मालूम है कि सिंस एन एरे नेम इज एक्चुअली ए पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट विद इन द एरे। जब भी हम किसी एरे का नाम लेते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि एरे किसी भी एरे के फर्स्ट एलिमेंट को वो पॉइंट करता है। इट शुड बी पॉसिबल टू डिफाइन द एरे एज ए पॉइंटर वेरिएबल रादर देन एज ए कन्वेंशनल एरे। तो सिंटेटिकली द टू डेफिनेशंस आर इक्विवेलेंट, हाउ एवर ए कन्वेंशनल एरे डेफिनेशन रिजल्ट इन ए फिक्स ब्लॉक ऑफ मेमोरी बींग रिजर्व एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, वेयर एज दिस डज नॉट अकर इफ द एरे इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ ए पॉइंटर वेरिएबल। तो यानी कि अगर हम कन्वेंशनल ढंग से, अगर मान लीजिए हमने एरे को ऐसे डिफाइन किया, सपोज कीजिए इंटीजर एक्स और एरे में हमने लिख दिया 20, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो डाटा टाइप है वो इंटीजर टाइप है और उसमें 20 एलिमेंट है। तो यानी 20 एलिमेंट और एक इंटीजर टाइप मतलब 2 बाइट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक्स नाम की एरे है ये 40 बाइट की जगह इसके लिए रिजर्व हो जाएगी। ठीक है, भले उसमें 5 एलिमेंट हम एंट्री करें, भले हम उसके अंदर 15 एलिमेंट एंट्री करें, लेकिन ये 40 बाइट्स ऑफ स्टोरेज विल बी रिजर्व इन द नेम ऑफ एक्स। जबकि अगर हम पॉइंटर का यूज करते हैं तो उसमें ये सीन नहीं है। ठीक है, कि दिस डज नॉट अकर इफ द एरे इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ ए पॉइंटर वेरिएबल, देयरफॉर द यूज ऑफ ए पॉइंटर वेरिएबल टू रिप्रेजेंट एन एरे रिक्वायर्स सम टाइप ऑफ इनिशियल मेमोरी असाइनमेंट बिफोर द एरे एलिमेंट आर प्रोसेस्ड। तो इसीलिए पॉइंटर वेरिएबल को क्या होता है कि हमें कुछ इनिशियल मेमोरी असाइनमेंट देना होता है इसके पहले कि एरे एलिमेंट्स को हम प्रोसेस करें। एंड दिस टाइप ऑफ मेमोरी एलोकेशन इज कॉल्ड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। दिस इज कॉल्ड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। जनरली एम एलॉक लाइब्रेरी फंक्शन इज यूज फॉर दिस पर्पज। ठीक है, और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए हम कौन सा लाइब्रेरी फंक्शन यूज करते हैं? एम एलॉक। दिस लाइब्रेरी फंक्शन इज यूज फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अब इसको आप एक एग्जाम्पल से देखिए। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा से एग्जाम्पल। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि सपोज एक्स इज ए वन डायमेंशनल एलिमेंट, 10 एलिमेंट्स एरे ऑफ इंटीजर। ठीक है, इट इज पॉसिबल टू डिफाइन एक्स एज ए पॉइंटर वेरिएबल रादर देन एन एरे। तो मान लीजिए हमने कहा एक्स क्या है, एक्स इज ए वन डायमेंशनल टेन एलिमेंट एरे, 10 एलिमेंट एरेज ऑफ इंटीजर्स। यानी एक्स में 10 एलिमेंट हैं जो इंटीजर टाइप हैं, ये एरे है। तो इसको जब हम पॉइंटर की मदद से डिक्लेयर करेंगे तो हम इंटीजर, हमने लिख दिया पॉइंटर एक्स इस तरह। और कन्वेंशनल ढंग से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते तो कैसे करते हैं, इंटीजर एक्स 10। ठीक, इसको हम कन्वेंशनल की बजाय हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर देंगे। या दूसरा तरीका क्या है, हम इसको भी ऐसे कर सकते हैं। हमने कहा डिफाइन साइज। ठीक है, हमने साइज डिफाइन कर दिया इसको। हम इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि हमने कहा डिफाइन साइज और साइज को हमने दे दिया 10। ठीक है, और यहाँ पे फिर हमने डिक्लेयर किया इंटीजर एक्स और यहाँ हमने लिख दिया साइज।
ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि देखिए, ये जो हमारी एक्स एरे है इसको हम पॉइंटर की मदद से ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, कन्वेंशनल ढंग से ऐसे भी कर सकते हैं, और साइज प्री डिफाइन करके इस तरह से भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हाउएवर एक्स इज नॉट ऑटोमेटिकली असाइंड ए मेमोरी ब्लॉक व्हेन इट इज डिफाइंड एज ए पॉइंटर वेरिएबल। अब इसमें क्या होता है कि देखिए, जब इस तरह आप डिफाइन करेंगे, तो अभी उन्होंने बताया था कि 10 एलिमेंट हैं इसमें और इंटीजर टाइप है, तो 10 और एक एक इंटीजर टाइप एलिमेंट कितना लेता है? 2 बाइट। तो 10 दूनी 20 बाइट का मेमोरी ब्लॉक इसके लिए एक्स नाम से स्टोर हो जाएगा। लेकिन जब आप पॉइंटर वेरिएबल की तरफ से आप डिफाइन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली कोई मेमोरी ब्लॉक एक्स के लिए नहीं एलोकेट होता है। ठीक है, दो ए ब्लॉक ऑफ मेमोरी लार्ज इनफ टू स्टोर 10 इंटीजर क्वांटिटीज विल बी रिजर्व इन एडवांस व्हेन एक्स इज डिफाइंड एज एन एरे। तो यहाँ पे तो आपका एडवांस में रिजर्व हो जाएगा, लेकिन जब आप पॉइंटर के मदद से एरे को डिफाइन करते हैं, तो कोई एडवांस में मेमोरी ब्लॉक रिजर्व नहीं होता है। तो अब इस फिर क्या कैसे करते हैं कि टू असाइन सफिशियंट मेमोरी फॉर एक्स वी कैन मेक यूज ऑफ द लाइब्रेरी फंक्शन एम एलॉक। तो फिर हम क्या करते हैं कि एक्स के लिए सफिशियंट मेमोरी एलोकेट करने के लिए हम एम एलॉक फंक्शन का यूज करते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन का। तो इसको हम इस तरह लिख देते हैं, एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने लिखा इंटीजर, यहाँ पे हमने लिखा एम एलॉक, ठीक, यहाँ हमने लिखा कितने एलिमेंट हैं, 10, तो 10 लिख दिया हमने, इनटू यहाँ हमने लिखा साइज ऑफ, यहाँ साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करेंगे, और इंटीजर जो भी साइज लेता होगा, यानी जैसे 2 बाइट लेता है तो 2 ले लेगा अपने आप। ये तो इस तरह से हम एक्स को साइज एलोकेट करते हैं कि दिस फंक्शन रिजर्व्स ए ब्लॉक ऑफ मेमोरी हुज साइज इन बाइट्स इज इक्वलेंट टू 10 इंटीजर क्वांटिटीज एज रिटर्न द फंक्शन रिटर्न्स ए पॉइंटर टू एन इंटीजर। दिस पॉइंटर इंडिकेट्स द बिगिनिंग ऑफ द मेमोरी ब्लॉक। इन जनरल द टाइप कास्ट प्रिसीडिंग एम एलॉक मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द डाटा टाइप ऑफ पॉइंटर वेरिएबल। जो पॉइंटर वेरिएबल का डाटा टाइप है वही यहाँ पे डाटा टाइप होना चाहिए। ठीक है, हेंस अगर मान लीजिए हम दूसरी एग्जाम्पल ले आपको कि इफ वाई वर डिफाइंड एज ए पॉइंटर टू ए डबल प्रेसिशन क्वांटिटी, तो मान लीजिए वाई जो है कोई डबल, हमारा डबल प्रेसिशन क्वांटिटी है, और हमें 10 डबल प्रेसिशन क्वांटिटीज के लिए साइज अगर एलोकेट करना है, ठीक है, तो फिर हम इस तरह लिखेंगे वाई इज इक्वल टू, ये हो गया डबल, फिर यहाँ हम लिखेंगे मेमोरी एलोकेशन एम एलॉक, फिर हम लिखेंगे 10 इंटू साइज ऑफ, यहाँ फिर हम लिखेंगे डबल। ठीक है, तो इस तरह से, यानी यहाँ पे वही डाटा टाइप होना चाहिए जो यहाँ पे है। क्लियर? इफ द डिक्लेरेशन इज टू इंक्लूड द असाइनमेंट ऑफ इनिशियल वैल्यूज हाउएवर देन एक्स मस्ट बी डिफाइंड एज एन एरे रादर देन ए पॉइंटर वेरिएबल। यानी अगर आपको मान लीजिए एक्स में वैल्यू इनिशलाइज करनी है, तो आप फिर उसको पॉइंटर की तरह नहीं, फिर तो जैसे हम लोग कन्वेंशनल डिक्लेयर करते हैं, जैसे हमने लिखा x 10 और इसकी वैल्यू इनिशलाइज करनी है, तो जो भी वैल्यू यहाँ हमने हमें देनी है 1 2 3 4 ऐसे करके हम 8 9 और 10 इनिशलाइज करेंगे, तो पॉइंटर की तरह नहीं डिफाइन करेंगे इसको। ठीक है, तो चाहे आप इसको ऐसे दे लीजिए या आप इसको इंटीजर एक्स यहाँ मत लिखिए साइज, और यहाँ पे फिर आप 1 2 3 4, ये चीज़ तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो जब आपको इनिशलाइज करनी होगी अरे, तब आप पॉइंटर का यूज नहीं करेंगे। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि व्हेन प्रोग्रामिंग इन सी, जब अगर हम सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि इट इज नॉट अनयूजुअल टू यूज पॉइंटर एक्सप्रेशन रादर देन रेफरेंसेस टू इंडिविजुअल एरे एलिमेंट्स व्हेन वी आर यूजिंग या व्हेन वी आर परफॉर्मिंग प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज।
इट इज नॉट अनयूजल टू यूज पॉइंटर एक्सप्रेशन रादर देन रेफरेंसेज टू इंडिविजुअल एरे एलिमेंट्स. द रिजल्टिंग प्रोग्राम्स में अपीयर स्ट्रेंज एट फर्स्ट, दो दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड वंस यू बिकम कंफर्टेबल एक्सेसिंग वैल्यूज दैट आर स्टोर्ड इन स्पेसिफाइड एड्रेस. तो पहली बार तो जब आप शुरू शुरू में यूज करेंगे तब तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, ठीक है, जब आप एड्रेसेस का यूज करना शुरू करेंगे, लेकिन जब आप उसको कंफर्टेबल हो जाएंगे बस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, तो फिर वो प्रोग्राम आपको काफ़ी आसान लगेंगे. जनरली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, ठीक है, फॉर यूजिंग पॉइंटर इन इन द सी प्रोग्राम्स. तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे प्रोग्राम इसका पॉइंटर्स का यूज करके किसी प्रोग्राम को बनाने के लिए, तो फिर आप उसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे. तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कैसे किया जाता है, ठीक है, उसका क्या फ़ायदा होता है और उसमें कौन सा लाइब्रेरी फंक्शन होता है, जिसे हमने अभी आपको MLog यूज़ करके दिखाया. इसके रिगार्डिंग अगर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके. थैंक यू.